स्पेशलाइज्ड क्लाउड मैकेनिज्म्स में अब हम अगला एक बहुत दिलचस्प जो है मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फेलओवर सिस्टम्स का, और इससे रिलेटेड दीगर जो तफसीलात हैं वो हम देखेंगे। फेलओवर सिस्टम क्या है? दिस मैकेनिज्म इज यूज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और किस किस को इंक्रीज करने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज बाय यूजिंग रिडंडेंट इम्प्लीमेंटेशंस, फॉर एग्जांपल ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ये एक ऐसा, यानी आप कह लें कि एक बचाव का जो है वो सिस्टम है कि जो अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। इसकी एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं कि आप एक किसी एक सर्विस है उसका एक ही अगर इंस्टेंस है और वो एक इंस्टेंस क्रैश हो जाता है तो साथ ही में वो सर्विस भी डाउन हो जाएगी, जो कंज्यूमर हैं उस सर्विस के वो भी जो है वो परेशान होंगे और उसके उनका डेटा भी ज़ाया हो जाए, तो और जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी भी जो है जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचेगा। सो इसका तरीका क्या है, जो हमने पहले भी देखा था कि मल्टीपल इंस्टेंसेस जो है ना वो हम उसके डिप्लॉय करें ताकि एक फेल हो जाता है तो दूसरा इंस्टेंस जो है वो उसकी जगह ले सके। सो फेल ओवर सिस्टम जो है वो इस ही मैकेनिज्म को जो है वो शो करता है, और ये क्लाउड का एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है। ये किस लिए यूज होता है? मिशन फॉर मिशन क्रिटिकल प्रोग्राम, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जो कि एक जो कंज्यूमर या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो चाह रही है कि वो किसी भी कीमत के ऊपर ये सर्विसेज जो हैं ये डाउन ना हो, तो हम वहां पे उनको फेल ओवर सिस्टम के थ्रू वो हम डिप्लॉय करते हैं। फिर क्लाउड सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, जो कि हमने पहले गूगल ऐप इंजन और अमेजोन वेब सर्विसेज में देखी थी कि उनकी जो ये सपोर्टिंग सर्विसेज हैं ये किसी तरह से भी डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सर्विसेज डाउन नहीं तो बहुत सारे जो हैं इनके ऊपर जो सर्विसेज इनको यूज करते हुए एप्लीकेशंस चल रही हैं वो सब की सब क्रैश कर जाएंगी। तो इसकी वजह से इनको भी फेल ओवर सिस्टम के थ्रू ही डिप्लॉय करना चाहिए या किया जाता है। द रिडंडेंट इम्प्लीमेंटेशन आर एक्टिवली मॉनिटर्ड फॉर एरर डिटेक्शन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी इनको जब आप रिडंडेंट या मल्टीपल इंस्टेंसेज सेम जो है सर्विस के फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिप्लॉय करें तो इनको साथ ही साथ कंटिन्यूसली मॉनिटर भी किया जाता है ताकि किसी भी एरर या फेलियर की सूरत में जो इसका प्रोसीजर है जो इस फेलियर से निकलने का वो अप्लाई किया जा सके। जो फेल ओवर सिस्टम है वो दो तरह से डिप्लॉय किए जाते हैं, पहला है एक्टिव और दूसरा एक्टिव पैसिव। ये किस तरह से डिप्लॉय किए जाते हैं ये अब हम आगे देखते हैं। मकसद इन दोनों सिस्टम्स का या इन दोनों जो टाइप्स हैं इनका फेल ओवर सिस्टम्स का यही है कि जो अवेलेबिलिटी और जो रिलायबिलिटी है रिसोर्सेज की वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज की जा सके। कंज्यूमर है उस सर्विस का फॉर एग्जांपल, उसको कोई पता भी ना लगे, हो सकता है इस तरह से भी आप उसके लिए बिल्कुल ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट हो। तो आइए हम इसमें से सबसे पहले जो है एक्टिव को देखते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में द रिडंडेंट इम्प्लीमेंटेशन इज एक्टिवली प्रोसेसिंग द वर्कलोड, जो मल्टीपल इंस्टेंसेज हैं वो एक्टिवली जो है वो प्रोसेस करते हैं वर्कलोड को। उसमें लोड बैलेंसिंग जो है इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायर होगी ऑब्वियसली, कि मसलन अगर चार इंस्टेंसेज हैं एक ही सर्विस के, चारों के चारों ही जो हैं वो एक्टिव जो है लोड ले रहे हैं, जो वो डेटा या रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, के साथ हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जी हाँ लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी जो इनके दरमियान में वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करे। द फेल ओवर सिस्टम डिटेक्ट्स द रिसोर्स फेलियर, मैंने जैसे भी आपको बताया कि हमने देखा भी कि पिछली स्लाइड में कि इसको मॉनिटर किया जाता है, इंटरनेट जो रेप्लीकेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन है इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। जैसे ही कोई फेलियर जो है या किसी एक इंस्टेंस क्रैश कर गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है कि वो लोड बैलेंसर को डायरेक्ट करता है टू एलोकेट वर्कलोड ओनली टू एक्टिव रिडंडेंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो इंस्टेंस फेल हो गया सर्विस का, ये जो फेल ओवर सिस्टम का जो मॉड्यूल है ये लोड बैलेंसर को जो है इंडिकेट करता है कि जी इस जो इंस्टेंस है इसको आपने मजीद वर्कलोड नहीं देना क्योंकि ये क्रैश कर गया हुआ है, कब तक नहीं देना जब तक इसको हम रिकवर ना करवा लें। तो ये है एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि व्हेन द फेल्ड इंस्टेंस इज रिकवर्ड और रेप्लिकेटेड, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि कैसे फेलियर से निकलता है ये, कोई भी जो क्रैश होने के बाद कोई सर्विस है और रेप्लिकेट की जा सकती है वो, फॉर एग्जांपल द फेल ओवर सिस्टम डायरेक्ट्स द लोड बैलेंसर, जो लोड बैलेंसर को फिर ये फेल ओवर सिस्टम इंडिकेट करता है कि जी अब आप इसको जो है वर्कलोड देना शुरू कर दें।
यानी जो फेल हो गया सिस्टम उसको आप वर्कलोड एलोकेशन लिस्ट में से फॉर एग्जांपल निकाल दें, जैसे ही वो रिकवर होगा उसको जो है वो दोबारा से लोड बैलेंसर को बता दिया जाता है कि अब इसके ऊपर वर्कलोड सेंड करना शुरू कर दें। अगर हम एक्टिव पैसिव की तरफ आते हैं तो वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, द रिडंडेंट इंस्टेंस इज पैसिव, यानी जो रिडंडेंट इंस्टेंस है फॉर एग्जांपल दो इंस्टेंसेस हैं एक सर्विस के, एक एक्टिव रखा प्राइमरी रखा दूसरा बैकअप या पैसिव रखा। द फेल ओवर सिस्टम व्हेन डिटेक्ट्स अ फेलियर, और जब फेलियर होता है और फेलियर होगा जो एक्टिव जो इंस्टेंस है वो फेल हो जाता है, इट एक्टिवेट्स अ रिडंडेंट इंस्टेंस। जो पैसिव रखे हुए थे वो एक भी हो सकता है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो है पैसिव जो है इंस्टेंस उनमें से कोई एक या जो पैसिव था उसको वो अप कर देता है। एंड रीडायरेक्ट्स द वर्कलोड टुवर्ड्स द न्यूली एक्टिवेटेड इंस्टेंस, और जो वर्कलोड आ रहा है उसको जो एक्टिव अब जो एक्टिव इंस्टेंस है उसकी तरफ वो सेंड करना शुरू कर देता है जो फेल ओवर सिस्टम है। यानी यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं कि जो जो रिडंडेंट एप्लीकेशन जो इंस्टेंस हैं वो साइलेंट हैं या वो पैसिव हैं, वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं जो है डेटा को, जब तक प्राइमरी जो है इंस्टेंस फेल नहीं होता तो ये जो पैसिव है ये आगे आ जाता है और वर्कलोड इसको मिलना शुरू हो जाता है। अपॉन रिकवरी और एप्लीकेशन ऑफ फेल्ड इंस्टेंस, अब जो फेल्ड इंस्टेंस था वो अगर जो है रिकवर होता है तो क्या होगा, द फेल ओवर सिस्टम पुट्स इट इनटू स्टैंड बाय मोड, यानी जो उसको पैसिव बना देगा, वाइल द प्रीवियसली एक्टिवेटेड इंस्टेंस कंटिन्यूज टू सर्व एज द एक्टिव इंस्टेंस, और जो पहले जो जो पैसिव था वो अब एक्टिव हो गया है, जो पहले एक्टिव था अब आफ्टर रिकवरी वो अब पैसिव हो गया हुआ है। सो जो एक्टिव पैसिव में जो है जो की जो इसका फीचर है वो ये है कि जो रिडंडेंट जो डिप्लॉयमेंट है वो पैसिव रहती है, एक्टिव जो है वो जो प्राइमरी जो डिप्लॉयमेंट है वो एक्टिव रहेगी, अगर वो फेल होती है तो जो पैसिव है वो आ जाएगा प्राइमरी बन जाएगा, और जो जो एक्टिव था पहले वो जो फेल क्रैश हो गया फॉर एग्जांपल वो जब रिकवर करेगा तो उसको वो बैकअप के तौर पे ऊपर रख लेगा फेल ओवर सिस्टम। सो इस मॉड्यूल में हमने जो ये क्लाउड का जो ये स्पेशलाइज्ड जो मैकेनिज्म है फेल ओवर सिस्टम का वो देखा है, और उम्मीद है कि आपको ये दिलचस्प लगा होगा।